बड़े बड़े धरने चलते थे, लेकिन विगत 5 वर्ष के दौरान आपने देखा होगा असम में शांति है, असम में सौहार्द है, असम सद्भावनापूर्ण तरीके से विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। असम के प्रत्येक नागरिक को जिनके पास अपने आवास नहीं उन्हें आवास की सुविधा, जिनके पास राशन कार्ड नहीं उन्हें राशन कार्ड की सुविधा, जिनके पास 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर नहीं उन्हें आयुष्मान भारत की स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का, जिनके पास व्यक्तिगत शौचालय नहीं उन्हें शौचालय उपलब्ध करवाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सर्वानंद सोनोवाल की सरकार ने असम के अंदर करने का कार्य किया है। आपने देखा होगा कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी सरकार के समय विकास सबका, लेकिन भेदभाव किसी के साथ नहीं हुआ, न जाति के नाम पर, न मत और मजहब के आधार पर। यहां तक कि चाय बागान में कार्य करने वाले कर्मयोगियों के लिए भी 50 वर्षों में कांग्रेस ने उनका मानदेय नहीं बढ़ाया, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा सर्वानंद सोनोवाल जी की सरकार को जिन्होंने मानदेय को बढ़ा करके 217 रुपए करने का कार्य किया है और इसे आने वाले समय में 300 रुपए से भी करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना भी उन्होंने खड़ी की है। ये विकास की वो सोच है जो असम के नागरिकों को विकास के पथ पर अग्रसर करके उन्हें जीवन की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। आज असम में कई मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, कहीं पर IIT खुल रहा है, कहीं IIM आ रहा है, कहीं पर NIFT आ रहा है, कहीं पर कोई केंद्रीय संस्थान आ रहा है, और तो और विगत दिनों खेलो इंडिया खेलों के तहत जब असम के अंदर खेल कूद की प्रतियोगिताएं हुई उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया कि कितने भारी पैमाने पर कितनी सफलतापूर्वक ये आयोजन असम के अंदर होते हुए दिखाई दिए। भाइयों बहनों, विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से आपके पास आई आपसे कहने के लिए। याद करिए जब प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने देश को कुछ नारे दिए थे। उन्होंने उस समय कहा था हम इस देश के अंदर विकास करेंगे बिना भेदभाव के, विकास सबका, और तब उन्होंने एक मंत्र दिया था सबका साथ और सबके विकास का। ये सबका साथ और सबके विकास का ये नारा, विकास का वह नारा था जो देश के अंदर 135 करोड़ लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का आधार बना था। ये व्यापक आधार था जिसने अनेक योजनाएं दी। जनधन अकाउंट के माध्यम से मुझे बताया गया कि अकेले असम के अंदर 6 लाख ऐसे लोगों के जिनके पास आजादी के बाद अपने बैंक अकाउंट नहीं थे उनका बैंक में अकाउंट खोलने का कार्य हुआ। और कोरोना काल खंड में तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रत्येक उस महिला के बैंक अकाउंट में धनराशि देने का कार्य किया था जिन्होंने अपने बैंक में पैसा नहीं देखा, लेकिन मोदी जी ने उनके अकाउंट में भी कोरोना काल खंड के दौरान पैसा देने का कार्य किया। यही नहीं, आपने देखा होगा विगत वर्ष यही समय था जब लॉकडाउन प्रारंभ हो रहा था और लॉकडाउन प्रारंभ होने के बाद अप्रैल से लेकर के नवंबर तक हर गरीब परिवार को फ्री में राशन, फ्री में LPG सिलेंडर की सुविधा, वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने वाले, निराश्रित महिला पेंशन प्राप्त करने वाले, दिव्यांगजन पेंशन प्राप्त करने वाले सभी लाभार्थियों को भी पेंशन की सुविधा का लाभ देने का कार्य किया गया। और यही नहीं, आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत भी
परंपरागत उद्यम को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कार्य योजना तैयार किया गया। ये कार्य तब संभव हो पाया है जब विकास एजेंडे में हो और जनता जनार्दन की खुशहाली ही जब शासन के एजेंडे का हिस्सा होता है तब सरकार इस प्रकार के निर्णय लेती है। और ये कार्य केंद्र में मोदी सरकार ने किया तो केंद्र की मोदी सरकार की तर्ज पर असम के अंदर सर्वानंद सोनोवाल के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वह कार्य असम के अंदर करने का कार्य किया। आज भाइयों बहनों हम सब देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी आपके पास इसी बात को लेकर के आई है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। यही अंतर है भाजपा और कांग्रेस में। भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है तो विकास सबके विकास की बात करती है, लोक कल्याण की बात करती है, उसे इंप्लीमेंट भी करती है। भारतीय जनता पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करती है, कहीं एयरपोर्ट, कहीं रेलवे, कहीं पर हाईवे, कहीं पर आईआईटी, कहीं आईएम, कहीं एम्स, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं पर हायर एजुकेशन के किसी इंस्टीट्यूट की स्थापना करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करती है। लेकिन कांग्रेस के समय में क्या होता था? अलगाववाद, आपसी झगड़े, बंदी, अराजकता। और कांग्रेस आज भी वही कार्य कर रही है। असम के अंदर एआईयूडीएफ के साथ कांग्रेस का समझौता और कम्युनिस्टों के साथ कांग्रेस का समझौता इस बात को प्रदर्शित करता है कि भाजपा तो विकास के पथ पर असम को आगे ले जाना चाहती है, असम के प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस घुसपैठ करा करके एक बार फिर से असम को अलगाव और अराजकता की ओर धकेलने की कुत्सित चेष्टा का हिस्सा बनना चाहती है। और इसीलिए भाइयों बहनों हम सब आपके पास आए हैं। भाजपा ने जो कहा वो करके दिखाया। याद करिए पूर्वोत्तर के राज्यों में आज आनंद और खुशहाली है, विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। हम इस बराक वैली में बैठे हैं, इस बराक वैली को हम देखते हैं, एक तरफ मणिपुर की सीमा है, एक तरफ मेघालय की सीमा है, एक तरफ त्रिपुरा और बांग्लादेश की लगी हुई सीमा दिखती है और एक तरफ असम की सीमा हमें पूरे असम के साथ जोड़ती हुई बराक नदियों की वैली एक नई पहचान के साथ देश और दुनिया के साथ जोड़ने का कार्य करती है। सर्वत्र आपको शांति, सौहार्द और विकास दिख सकता है, ये भाजपा की पहचान है। हमने विकास की बात कही थी, विकास करके दिखाया। हमने देश के अंदर एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात की तो आदि करके दिखाया। घुसपैठ समस्या का समाधान असम के अंदर और पूर्वोत्तर के राज्यों के अंदर तो किया ही। आपने देखा होगा जम्मू और कश्मीर के अंदर भी। याद करिए बंगाल की धरती में पैदा हुए थे महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस ने उन्हें सम्मान नहीं दिया लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सम्मान देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया। बंगाल की धरती में पैदा हुए थे भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब कांग्रेस इस देश के अंदर 1952 में संविधान में चोरी छिपे धारा 370 को जोड़ करके देश को आतंकवाद और अलगाववाद की भट्टी में झोंकने की कुत्सित चेष्टा कर रही थी, उस समय कांग्रेस के षड्यंत्र के खिलाफ, उस विश्वासघात के खिलाफ कोई लड़ रहा था तो बंगाल की धरती पर पैदा होने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी लड़ रहे थे और तब उन्होंने नारा दिया था एक देश में दो प्रधान, दो विधान और दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और भाइयों बहनों डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करने का काम किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कश्मीर से धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त कर दिया। अगर असम का कोई नौजवान
अगर जम्मू कश्मीर में आज के दिन पर जमीन खरीद करके बसना चाहता है तो जम्मू कश्मीर के अंदर कोई आपको बसने से रोक नहीं सकता। कांग्रेस ने रोक लगाई थी, मोदी जी ने आपको यह अधिकार दिया है कि आप भी जम्मू कश्मीर के अंदर बस सकते हैं। आज कश्मीर विकास की एक नई कहानी कह रहा है। जो पाकिस्तान बार बार घुसपैठ करके देश के अंदर बम विस्फोट करवाता था, आतंकी गतिविधियों को प्रश्रय देता था, आज भारत के बहादुर जवान उस पाकिस्तान के अंदर घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देकर के आतंकी कैंपों को नष्ट करने का कार्य करते हैं। ये भारत का शौर्य और पराक्रम है। तो भाइयों बहनों, जब मैं लोकसभा चुनाव के दौरान असम में आया था, जहां भी जाता था एक ही बात यहां लोग कहते थे, और लोग कहते थे कि योगी जी आप ये तो बताइए कि आप यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, मंदिर कब बनेगा? लोग मुझसे प्रश्न करते थे। और भाइयों बहनों, मुझे आप सबको बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति है, 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ कर दिया। तो आप सुन रहे थे असम से सीएम योगी आदित्यनाथ को। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लौटेंगे जल्दी।